टू द इक्वालिस्ट एम्पायर. रिसेंटली एक न्यूज आई थी फ्रॉम थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन कि इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस, सबसे असुरक्षित कंट्री इन द वर्ल्ड औरतों के लिए. ये जो व्हाट्सएप पे ऐसे वैसे फॉरवर्ड जाते हैं ना, दैट यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड इंडियन नेशनल एंथम टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये ऐसी टाइप की न्यूज लग रही थी. क्यों? बिकॉज इंडिया के नीचे जो लेस अनसेफ कंट्रीज को डाला है, वहाँ काफ़ी औरतों को बेसिक राइट्स नहीं हैं. वो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ वॉर चल रही है, सीरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक दिस. तो मैंने ध्यान से ये रिसर्च की रिपोर्ट पढ़ी और मैं ये पूरी स्टडी आपके सामने अब ब्रेक डाउन करूँगी. सबसे फर्स्ट चीज़ जो है, ये एक परसेप्शन पोल है. जो एक परसेप्शन पोल होता है वो लोगों के ओपिनियंस के बारे में बात करता है. वो कोई भी स्टडी या रिसर्च, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इस सब पे आधारित नहीं होता है, सिर्फ लोगों के ओपिनियंस पे. पर थॉमसन रूटर्स की रिसर्च में लिखा है कि जिन लोगों से उन्होंने पूछा है वो विमेंस इश्यूज में एक्सपर्ट हैं. 193 कंट्रीज के विमेंस इश्यूज में कोई एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? उनके एक्सपर्ट्स हैं एयर एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स, हेल्थ वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ वर्कर्स, जर्नलिस्ट एंड सोशल कमेंटेटर्स. जैसे आप एक चीज देख लीजिए, हेल्थ वर्कर्स अपने कंट्री में या जिस भी कंट्री में वो काम कर रहे हैं वहाँ के विमेंस हेल्थ इश्यूज के बारे में एक्सपर्ट हो सकते हैं. पर इतनी सारी कंट्रीज जिनके बारे में पूछा है, हाउ? और अब ये भी देख लो, सोशल कमेंटेटर्स. मैं खुद एक सोशल कमेंटेटर हूँ, तो अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो क्या जो भी इश्यूज के बारे में मैं बात करती हूँ मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगी? और फिर मैंने देखा कि ये जो सर्वे है इसके लिए 548 एक्सपर्ट्स ने रिस्पॉन्ड किया. अब 193 कंट्रीज को रैंक करना था, तो अगर आप 548 डिवाइडेड बाय 193 करें तो मीनिंग रफली 2 या 3 एक्सपर्ट होने चाहिए ईच कंट्री से ताकि एक फेयर सर्वे हो. पर 41 लोग जो थे वो थे इंडिया से, उन्हें इंडिया की ज़्यादा नॉलेज है, तो ये एक फेयर सर्वे कैसे हुआ? और फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए. पहले तो कहा है कि जो भी 5 टॉप मोस्ट डेंजरस कंट्री है अकॉर्डिंग टू यू उसका आप नाम दे दीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट, इन योर व्यू विच कंट्री इज मोस्ट डेंजरस फॉर सो एंड सो, हर एक कैटेगरी के लिए. तो फिर ना तो बोला है कि सारी की सारी 193 कंट्रीज रैंक करनी है, और ना ही बोला है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना है फॉर योर व्यू. बस कंट्री का नाम दे दो एंड दैट्स इट. 2011 में भी ऐसा सर्वे किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक नंबर 4 आया था, पर तब ये एक इमेज उन्होंने निकाली थी जो काफ़ी वायरल हो गई थी. और अगर आप एक्चुअल में ये डेटा को रीड करेंगे तो सच में हंसी आ जाएगी. ऑल द 3 स्टैटिस्टिक्स जो मैंशन है, तीनों की तीनों इनवैलिड हैं. लोग यहाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलीव कर रहे हैं जिन्होंने 2011 में बोला था कि 100 मिलियन पीपल, मोस्टली वुमेन एंड गर्ल्स, आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग. 2011 में जो वुमेन पॉपुलेशन थी वो अराउंड 600 मिलियन थी, तो मीनिंग 1 in 6 गर्ल्स. ये जो 100 मिलियन नंबर है वो फॉर्मर होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता ने एक बार अपने एक स्टेटमेंट में बोला था. इस पर कोई रिसर्च नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, कोई डेटा नहीं था, इट वॉज जस्ट अ स्टेटमेंट. और इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है जो दूसरे एस्टिमेट्स देता है ऑफ मच स्मॉलर नंबर्स. दूसरा जो यहाँ स्टैटिस्टिक है वो है कि 44.5% ऑफ गर्ल्स आर मैरिड अंडर द एज ऑफ 18. ये जो स्टडी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, बट यहाँ लिखा है दैट इट इज़ अ 2010 स्टडी, जबकि ये 2005-2006 की स्टडी है. सेकेंडली मैंने फिर इंडियन कंसेंसस रिपोर्ट देखी इन 2011, और उसके हिसाब से द नंबर इज ओनली 3.7%. तो मैं इस स्टडी को मानूँ जो एक सैम्पल साइज के साथ है या एक्चुअल इंडियन कंसेंसस को? और जो लास्ट स्टैटिस्टिक है, 50 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग व्हेन इन द लास्ट सेंचुरी. 100 साल के डेटा की ये बात कर रहे हैं. और ये जो कंपनी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जिनसे इन्हें डेटा डिराइव किया है, वो कंपनी बनी ही 1969 में थी. वो कंपनी इंडिया में कब आई थी ये मुझे नहीं पता. 1911 का डेटा ये कंपनी के पास कैसे हो सकता है? मोर ओवर इंडिया को तो इंडिपेंडेंस ही 1947 में मिली थी. तो थॉमसन रूटर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2011 में भी बहुत ही अनरिलायबल डेटा पब्लिश किया था, एंड इवन टुडे उनका जो परसेप्शन पोल है उसकी पूरी डिटेल्स वो सबको रिवील नहीं कर रहे हैं. एंड आई नो कि बहुत लोग यही कह रहे हैं
कि इंडिया इज नॉट वर्स्ट बट इट्स नॉट बेस्ट ऑल्सो, तो हम उस पर क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं? वेल, ये जो स्टडी है ये सिर्फ इंडिया में पब्लिश नहीं हुई है, ये वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई है। ऐसी फर्जी स्टडी के बाद इंडिया का टूरिज्म ऑफकोर्स इफेक्ट होगा, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफकोर्स इफेक्ट होंगे, जो वर्ल्ड व्यू है टूवर्ड्स इंडिया वो बहुत ही इफेक्ट होगा। इसलिए ही कितने पॉलिटिशियंस ने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये स्टडी रिजेक्ट की है, बट द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। और अगर हम इंडिया के बाहर की नहीं पर अंदर की बात करें तो पॉलिटिशियंस ने ये स्टोरी ऐसे ही शेयर करी है, मीडिया हाउसेस ने इस स्टोरी को बिलीव किया है। बहुत कम लोग हैं जो इसे ध्यान से देखेंगे और परखेंगे, पर बहुत लोग सोचेंगे अरे हाँ ये तो रिलायबल डेटा है। हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया में काफी पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को फ्रीडम नहीं देते हैं, यहाँ वहाँ जाने नहीं देते हैं, और अगर ऐसी बेसलेस अनरिलायबल स्टडी पब्लिश होगी तो उनमें बस डर बढ़ जाएगा और ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बढ़ ही जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन बेनिफिट्स के लिए बहुत सा काम हुआ है और हो भी रहा है। रेप और मोलेस्टेशन के केसेस के लिए बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, काफ़ी लॉज हैं जो वुमेन को बेनिफिट करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से। होम लोन में डिफरेंट स्कीम्स हैं वुमेन के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफरेंट स्कीम है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक गवर्नमेंट से एड मिल सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन है वो बहुत जोरों से काम कर रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में वुमेन के बेनिफिट के लिए। डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट एरियाज के लिए, वुमेन के लिए, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए इतने सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं और काफियों में लेसर फीस भी है। काफी गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स भी हैं। आजकल का जो मैंने ये ट्रेंड देखा है वो है कि गवर्नमेंट को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या डिफरेंट लोगों को बस ब्लेम करते रहो। अगर हम एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, अगर हम एक्चुअली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स एंड वुमेन बनाना चाहते हैं, तो ये सब बेनिफिट्स के बाद हमें हमारी प्रोग्रेस अपने हाथों में लेनी होगी। लाइक दे से, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। And we need to start helping ourselves. That's all for this video. इसके बाद आपको क्या लगता है? Comment कीजिए. Do you think that India is actually the most dangerous country for women in the world? अगर आपको ये video पसंद आया तो YouTube पे subscribe कर दीजिए, Facebook पर follow कर दीजिए and ये video को like कर दीजिए. And also do share it with your family and friends. Thanks for watching. Bye bye. See you soon.